चलो जो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा आई थिंक फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक होगा, क्योंकि यहां से एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेमिंग होते हैं इनका इनका और इनके ग्राफ का। इन दो चीजों का बहुत ज्यादा अच्छा यूज हम देखेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मीनिंग समझेंगे, बट अभी के लिए ये क्या बोलते हैं GIF, ठीक है? और समझना आप इसको, एक एक करके मैं आता हूं पॉइंट पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, कभी कभी आपको ये लिखा मिलेगा, कभी कभी इसकी जगह, जैसे इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स लिखा है तो ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और इसको दो तरीके से बोलते हैं, क्या, ब्रैकेट ऑफ एक्स, इसको दो तरीके से बोलते हैं। मैं हमेशा जनरली ये यूज करूंगा, ब्रैकेट ऑफ एक्स, या फिर इसको जी, इसको देखो ग्रेटेस्ट का तो जी और इसका आई एन टी ले ले तो ये क्या बन जाएगा, जेंट बन जाएगा। तो लोग जिंट ऑफ एक्स भी बोलते हैं कई इसको, तो दो नाम तो इसके हो गए, जिंट ऑफ एक्स और ब्रैकेट ऑफ एक्स। जनरली आई यूज ब्रैकेट ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ एक्स यूज करता हूं मैं, या फिर जिंट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। नाउ अब होता क्या है, तो पहली चीज तो हमने समझी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स इन बिग ब्रैकेट, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है लिस्ट, इसका मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर या स्मॉलर इंटीजर। देखो वैसे अगर आपको नाम से समझाओ ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे कोई भी एक नंबर लिखा है उसके अंदर छुपा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। जैसे देखना कहीं लिखा हुआ है 3.2987, इसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, इंटीजर मतलब इंटीजर पार्ट इसका ये है, ये वाला पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। हमें पता है ना दो पार्ट होते हैं डेसिमल वाले नंबर, एक इंटीजर एक फ्रैक्शनल। तो इसको अगर देखें तो ये हो सकता है 0, 1, 2, 3, तो मैक्सिमम ये कितना आ रहा है, 3। मींस अगर इस तरीके से भी ना समझ में आया तो डायरेक्ट हम ऐसे ध्यान रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कि जो भी एक नंबर है उसका इंटीजर पार्ट हमारा आंसर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं 2.999 इक्वल टू कितना होगा, 2.999 इसका इंटीजर पार्ट कितना है, 2। मीन जस्ट विच इज नियरर और स्मॉलर टू द इंटीजर एक्स, मीन इंटीजर एक्स के जस्ट स्मॉलर नंबर हमें लेना है। जैसे इसकी जगह ये लिखा होता 2.1 या फिर 0.1 तो भी आंसर 2 होता। अब एक चीज समझने की ये है, यहां पे लिखा है -2.01, इसका आंसर कितना होगा, समझना, -2 आंसर नहीं होगा। क्यों, तो अगर मैं आप लोगों को नंबर लाइन पे प्लॉट दोनों को करके दिखाऊंगा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, और ये नंबर थे इस साइड 2.1 2.2, यहां पे है -3, यहां है -2, यहां है -1, यहां है 0। ये जो नंबर है वो कहां पे होगा, ये वो नंबर होगा -2 से जस्ट इधर, और ये वाला नंबर था कहीं यहां, और 2.99 था कहीं यहां। मीन इससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना है 2, और इससे जस्ट छोटा इंटीजर कितना है -3, मतलब इसका आंसर -3 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ में आया, जस्ट छोटा इंटीजर लेते हैं। तो अब अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं, पहले तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं, क्या लिखिए बोर्ड से पढ़ना एक बार। A function is GIF, greatest integer function, if it is form of bracket of x, ठीक है, इस तरीके से denote करते हैं। ये indicate the integral part of x, integral part मतलब केवल integer वाले part को denote करता है, which is nearest or smaller integer to the x, x के small, जैसे अगर ये लिखा होगा 5, इसका आंसर क्या होगा, obviously बात में 5, -2, इसका आंसर कितना होगा, -2। इधर लिखा है 5.49, इसका आंसर कितना होगा, 5। इधर लिखा है -5.49, इसका आंसर कितना होगा, -6।
मतलब नेगेटिव वाले के अंदर उससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 5.49 से छोटा इंटीजर तो -6 ही आएगा ना, माइनस में, -5.49 से, और इसके अंदर छोटा इंटीजर 5 आएगा। अगर ये समझ में आता है तो मैं इसके थोड़े से एक अलग यूज पे जाना चाहता हूं, जो आपको थोड़ा और समझने का ट्राई करना है। लाइक ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू x का ग्राफ, ब्रैकेट ऑफ x का ग्राफ। ग्राफ बनाना अपने आप में डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी क्या है इसको समझना। ब्रैकेट ऑफ x की जब भी बात करते हैं, एक लाइन बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी ब्रैकेट के अंदर किसी का भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि ये वाली चीज इंटीजर कब हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि y की वैल्यू या तो आ रही है 0 या आ रही है 1 या 2 या -1 -3, मीन x के अकॉर्डिंग y वैरी नहीं करता है। देखो अब तक जैसे हम ग्राफ बना रहे हैं, आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x स्क्वायर, तो आप क्या करते हो, x की वैल्यू रखी 0 0, x की वैल्यू रखी 1 1, x की वैल्यू 2 4, x की 3 9, ऐसे करके कुछ ग्राफ को ड्रॉ कर दो। इस वाले ग्राफ की खास बात यह है कि इसमें x से हम बात ही नहीं करते, इसमें हम बात करते हैं y से, कि y1 कब हो रहा है, y1 कब हो रहा है, y2 कब हो रहा है, y3 कब हो रहा है, y4 कब हो रहा है, y-1 कब हो रहा है। फिर बोल रहा हूं, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हम y की बात करते हैं, मीन इसके बारे में सोचते हैं कि ये 1 कब हो रहा है, ये -1 कब हो रहा है, ये 2 कब हो रहा है, x की बात नहीं करते। तो आप देखना इसका ग्राफ में मैं अभी स्टार्ट करता हूं आप लोगों के सामने, अब y1 कब हो रहा है, अगर y इक्वल टू 1 की बात करें, मैं पहले लिख रहा हूं y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 अगर आप देखोगे तो x या फिर y, चलो y 1 ही ले लेते हैं, 1 के बराबर होगा तो 1 होगा, ब्रैकेट ऑफ 1 1 होगा, और 2 से जब तक छोटा होगा तब तक ये हमेशा 1 होगा, 2 से छोटा कुछ भी रख दो ये 1 ही होगा, 2.9999 पे भी हमने कहा था, सॉरी 1.9999 पे भी ये 1 था। सिमिलरली ये 2 कब होगा, जब ये 2 से बड़ा और इक्वल और 3 से छोटा हो। ये 0 कब होगा, जब ये 0 से 1 के बीच में हो। ये -1 कब होगा, ये -2 कब होगा, ऐसा ये क्लियर है, पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है क्या। देखो इससे इसके बीच में कुछ भी रखे 1.99 तक ये 1 देगा, यहां पे 2.99 तक रखो 2 देगा, 0.9999 तक रखो 1 से छोटा ये 0 देगा, माइनस के अंदर रखोगे -1 और -2, ये तो अब समझ में आया। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मीन अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखना, फिर मैं बोलूंगा मैं x पे नहीं जाऊंगा, मैं किस पे जाऊंगा y पे, y को पहले 1 बना दो, फिर y को 2 बना दो, y को 3 बना दो, ऐसे चलता जाएगा, y 0, y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3। अब बताना y 0 कहां से कहां तक है x की वैल्यू, अगर देखें x 0 से 1 के बीच में है तब तक y 0 है, मीन x को मैं यहां 1 मानता हूं, अगर ये 1 तो यहां 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। अगर मैं देखूं 0 से 1 तक ये 0 दे रहा होगा, जैसे ही 1 पहुंचा तो 1 पे तो 1 हो गया, अब 1 से 2 तक मैं जाऊं इसमें तो ये क्या दे रहा होगा 1, मीन x की वैल्यू 1 से लेके मैं 2 तक आ गया तब तक ये 1, 2 से जैसे 3 तक जाऊंगा तब तक ये क्या दे रहा होगा 2, यहां पे होलो आ रहा है, फिर 3, 3 से 4 तक ये 4 जा रहा होगा आगे। सिमिलरली -1 पे तो ये -1 है, बट यहां तक ये क्या दे रहा होगा, सॉरी सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, -1 तक अगर देखें, -1 कहां तक दे रहा है, -1 पे तो -1 है, और वहां से 0 तक पर, 0 पे होलो सर्कल। सिमिलरली -2 पे तो -2 है,
और यहाँ पे होलो सर्कल, ऐसे ही माइनस थ्री पे माइनस थ्री है और यहाँ पे होलो सर्कल। ये एक स्टेप वाइज ग्राफ बोलते हैं सीडी के आकार का, सीडी की शेप का स्टेप साइज ग्राफ। ये देखो इस तरह का इसका ग्राफ आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किया क्या है, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मैंने किया है कि मैंने सबसे पहले ये लिख लिया वाई वन कहां से कहां तक है, वाई टू कहां से कहां तक है, वाई थ्री कहां से कहां तक है, वाई जीरो कहां से कहां तक है, और एक एक करके वैसे शेप बनाता गया। ये रटना नहीं है। अब मैं आपको एक और आइडिया देता हूं, उसके बाद में इसके ऊपर हम ग्राफ में क्वेश्चन बहुत सारे देखेंगे, है ना। तो मैं एक आइडिया देता हूं इसके ऊपर एक और नए क्वेश्चन का, जिससे आप शायद थोड़ा बहुत और क्लियर कर पाए मेरी बात को समझना। कि अगर मैं आपको दे दू y इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, समझे हो क्या बोलना चाहता हूं। ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फिर हम क्या लिखेंगे, देखो लिखना ही ये है y इक्वल टू वन, y इक्वल टू टू, y इक्वल टू जीरो, क्योंकि y नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, y इक्वल टू थ्री, ऐसे चलता जाएगा। y जीरो का मतलब क्या है, y अगर आप जीरो का मतलब समझोगे तो ये अंदर लिखा हुआ है x स्क्वायर, ये जीरो से बड़ा हो और वन से छोटा हो, क्लियर है। सेकेंड, अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर वन से तो बड़ा हो और टू से छोटा हो, एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं एक्स स्क्वायर, सिमिलरली टू से बड़ा हो एक्स स्क्वायर, थ्री से छोटा हो, आगे थ्री से बड़ा हो, इसको आगे कंटिन्यू करवाता हूं। एक्स अगर माइनस वन से वन के बीच में, देखो एक्स स्क्वायर लेस देन वन यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो मीन एक्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, माइनस वन टू वन, इसके बीच में एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन से छोटा और जीरो से बड़ा, मीन इस केस में तो क्या आंसर आ रहा होगा हमारा, जीरो, क्लियर है। मीन इस केस में हमारा आंसर आ रहा होगा जीरो। अगला, वन से बड़ा हो और टू से छोटा हो, मीन अगर दोनों साइड मोड ले तो मोड एक्स आ गया, वन से बड़ा और रूट टू से छोटा, मीन अगर इसको देखो तो माइनस रूट टू से एक्स माइनस वन यूनियन वन से एक्स रूट टू, ये आना चाहिए। ये कैसे किया अगर आप लोगों को बताऊं, दोनों साइड रूट ले लो तो ये तो वन ही रहेगा, ये इक्वल, इक्वल किस पे, वन पे, तो इक्वल वन पे लगा दो, वन पे इक्वल और ये रूट एक्स हो जाएगा और ये रूट टू, यहां पे इक्वल नहीं है, यहां इक्वल नहीं है। और अगर आपको याद हो तो मॉड्यूलस का आप लेक्चर देखना, मॉड्यूलस के लेक्चर में अगर ए से बी के बीच में होता है तो हम आंसर बता देते हैं। सिमिलरली अगर यहां पे हम तो रूट टू और रूट थ्री होगा तो माइनस रूट थ्री से तो एक्स बढ़ा और रूट टू तक जा रहा होगा माइनस में, यूनियन रूट टू से बड़ा और रूट थ्री से छोटा। सिमिलरली इधर रूट लेंगे तो माइनस टू आएगा रूट फोर और ये एक्स और ये इक्वल आएगा माइनस रूट थ्री यूनियन रूट थ्री से बड़ा एक्स लेस देन टू, ऐसा ये चलता जाएगा। मीन इससे इस वैल्यू के बीच में जीरो, इससे इस वैल्यू के बीच में वन, मीन्स अब आप देखते जाओ ये समझ में आया है, इस तरह की चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ये समझ में आ गया। अब एक काम करो, इसको नोट कर लो क्योंकि स्पेस कम है, मैं पूरा हटा के ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं, ये नोट होना चाहिए क्योंकि ये चीज बार बार काम आएगी। तो मैं एक काम करता हूं, ग्राफ बनाने का ट्राई करता हूं, इस साइड बना लेता हूं, एक काम करता हूं ये, क्योंकि मेरे को भी याद रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ है, माइनस वन से जीरो, जब एक्स माइनस वन से वन के बीच में है तब तक ये क्या दे रहा है, जीरो, मतलब यहां पे होलो, यहां पे होलो, यहां से यहां तक ये जीरो। अब यहां से रूट टू, रूट टू तो ऑब्वियस बात है इसके पास आएगा, और यहां से माइनस रूट टू,
इन दोनों के बीच में ये क्या दे रहा होगा, वन। मीन्स वन अगर देखें तो यहां से यहां तक ये क्या दे देगा, वन। तो ठीक है ऐसा। फिर टू दे रहा होगा कहां से कहां तक, रूट टू से रूट थ्री। रूट थ्री तो और भी छोटा होगा, रूट थ्री यहां ले लू माइनस का। सिमिलरली थ्री दे रहा होगा यहां से रूट थ्री से टू तक, तो ये मान लो टू मान ली हूं, है ना। ऐसे यहां पे टू होगा तो यहां पे ये दे देगा ऐसा। तो इस तरह का ये ग्राफ आ रहा होगा। क्लियर है ये सबको? अब इसको बनाने का एक दूसरा मेथड देखो। ये तो मैंने फटाफट बना के दिखा दिया, एक दूसरा मेथड दिखाता हूं जो जनरली हमने और कहीं भी एक बार यूज किया है। जैसे मैं पहले y इक्वल्स टू x स्क्वायर का ही आपके सामने ग्राफ बना दूं, ये y इक्वल्स टू x स्क्वायर है, ये मान लो y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है, ठीक है। इनके करस्पॉन्डिंग एक एक लाइन ड्रॉ कर दो, x की वैल्यू निकाल दे रहा हूं। इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल दो, इनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ गई। इनके करस्पॉन्डिंग मैंने हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल दी। ये लो, क्लियर है? अब समझना, जब वाई वन है तो ये तो जीरो और ये पॉइंट क्या रहा होगा, वन और ये माइनस वन। जब ये टू रहा होगा तो एक्स कितना आया होगा, रूट टू, ये आया होगा माइनस रूट टू। ये थ्री के करस्पॉन्डिंग रूट थ्री, ये माइनस रूट थ्री। फिर फोर कब आया होगा, टू पे, फोर का गया, वन टू थ्री फोर। अच्छा फोर वाला तो मैंने बनाया है, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये फोर वाला बना लेते पहले, ये फोर वाला है ना। तो ये टू और ये माइनस टू। अब देखना, जब तक ये वन नहीं बनता ये क्या रहेगा, जीरो। जैसे ही ये वन बनता है उसके बाद में ये वन रहेगा, जैसे ये टू बनता है फिर उससे ऊपर ये टू चलेगा, जैसे ये थ्री पे आता है ये थ्री बनने लग जाएगा और उसके ऊपर फिर आगे ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। वैसा ऐसा ही ग्राफ बन गया होगा। हमने फिर मैं बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम वाई के करस्पॉन्डिंग एक्स निकालते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। एक काम देता हूं मैं, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ आपको ट्राई करके कमेंट में फोटो भेजनी है, ठीक है, मैं बताऊंगा फिर ठीक है या नहीं और इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये ग्राफ मैं अगले दो तीन लेक्चर के बाद में फिर यूज करूंगा, तो वहां पे मैं सिखाऊं उससे अच्छा यहां पे आप एक बार अपने लेवल पे ट्राई करके रखें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज मोर, मतलब इससे इंपॉर्टेंट क्या बताऊंगा ना, एक एक करके समझना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी को जैसे दे रखी है, अगर समझते हैं, एक्स इक्वल टू मान लो 2.5 है, और कुछ भी हो सकता है, एक एक करके सब कुछ देंगे, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू 2.5 है तो ब्रैकेट ऑफ एक्स कितना आएगा, टू, और ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन कितना आएगा, 2 प्लस 1 3। सिमिलरली x इक्वल टू, आप बोलोगे सर इंटीजर भी तो हो सकता था, मैंने कहा इंटीजर भी हो सकता था, तो ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू 2 और ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3। आप बोलो सर नेगेटिव लेके बता दो, तो मैं कहूंगा नेगेटिव ले लो, माइनस 2.5 ले लो, तो ब्रैकेट ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस 3, और ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस। तो आप देखो हर केस में जो ब्रैकेट ऑफ एक्स है वो इससे तो बड़ा है, और अगर इंटीजर है तब इक्वल है,
और इससे हमेशा छोटा आएगा। पहला केस प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एग्जांपल से देखना है तो ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको समझ में आनी चाहिए, होता है। नाउ द सेकंड वन, क्लियर है प्रॉपर्टी कैसे करिए, मैंने एग्जांपल देके ही समझा सकते हैं। नाउ द सेकंड वन प्रॉपर्टी इज ब्रैकेट ऑफ एक्स जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये या तो एक्स से छोटा होगा, जैसे 2.9 है वो क्या होगा, उसका ब्रैकेट ऑफ एक्स 2 होगा, या फिर इक्वल होगा जब ये इंटीजर है, और हमेशा किससे बड़ा होगा, एक्स माइनस वन से। याद कर लो ये तो डायरेक्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अपने आप में। क्या समझाया इसमें, जैसे ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू मान लो 2 है, तो ये 2 के बराबर होगा या छोटा होगा, मतलब अगर एक्स 2 है, एग्जाम्पल एक्स क्या ले सकते हो, या तो इंटीजर या फिर ऐसा कुछ। ब्रैकेट ऑफ एक्स दोनों केस में कितना होगा, 2, और ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस वन कितना होगा, इधर से तो 1 और इधर से 1.99। तो देखो इससे तो हमेशा बड़ा ही होगा, इक्वल कभी नहीं आएगा, और यहां इक्वल आने का एक चांस बनता है जब इंटीजर। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। आई होप क्लियर होगी प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्रैकेट ऑफ एक्स में अगर इंटीजर लिखा हुआ है, जैसे क्या कोई नंबर है मुझे नहीं पता एक्स क्या है, पर उसके अंदर में कुछ ऐड कर दूं इंटीजर को, तो ऑब्वियसली बात है ना, 2 पॉइंट कुछ भी हो तो 2 तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा इंटीजर तो, और ये रह जाएगा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है ना, तो इंटीजर को तो अपने आप में बाहर निकाल सकते हो। अच्छी प्रॉपर्टी, इजी सी, इसमें तो समझने में दिक्कत नहीं, फिर भी एग्जांपल से समझा दूं। एक्स इक्वल टू 4.9 है, तो इसको ये लिख सकता हूं 2.9 प्लस 2। अगर मैं ब्रैकेट ऑफ एक्स की बात करूं तो 4.9 का ब्रैकेट ऑफ एक्स कितना आएगा, 4। इसका अगर देखे तो 2.9 को अलग कर लूं और 2 को बाहर निकाल दूं, इसका फिर 2 प्लस 2 4 ही आना है ना, तो बात वही पड़ेगी, घूम फिर के आना वही है, तो आई थिंक इजी हो गई। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड अगर अब एक एक प्रॉपर्टी भी आए तो काफी इंपॉर्टेंट होती जाएगी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी समझाने को तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि ब्रैकेट ऑफ माइनस 2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 2। ब्रैकेट ऑफ माइनस 2.99 हो जाए कुछ भी हो, इससे जस्ट छोटा इंटीजर तो -3 है, ये होती है, तो यही चीज यहां लिखी हुई है। ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स अगर इंटीजर है एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा माइनस एक्स। देखो एक्स इंटीजर था माइनस 2, तो माइनस 2 ही आ गया। अगर एक्स इंटीजर नहीं है, तो अगर ये एक्स इंटीजर ना होता तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस, और इसका एक्स कितना है, एक्स तो इसके अंदर कितना है 2.9 है, माइनस हटा दे दो ऐसा कुछ, माइनस वन माइनस और ये माइनस 2 कितना आ गया, -3। मीन ये प्रॉपर्टीज याद ही रखनी पड़ेगी, बाकी मैं बता रहा हूं कि याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल लो करके देख लो, ऑप्शन से 4 ऑप्शन सामने लिखे होंगे, एग्जांपल दिया, इंटीजर है तब तो एज इट इज वही आ जाता है। अगर दो चीज समझने को मिली अब हमें, क्या अगर x पॉजिटिव है तब तो ब्रैकेट ऑफ x क्या होगा, और इंटीजर नहीं है तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उससे जस्ट छोटा इंटीजर। दोनों में सेम ही बात है, वैसे मैं क्या बोलूं, दोनों में सेम ही बात है, जस्ट छोटा इंटीजर ही आता है ना, जस्ट छोटा इंटीजर। क्लियर है ना। द नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, अगर ये इंटीजर होता तो माइनस एक्स लिख दूंगा, मतलब 0 आ जाएगा, और अगर इंटीजर नहीं होगा तो इसकी जगह लिख दूंगा माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स, और ब्रैकेट ऑफ एक्स से ब्रैकेट ऑफ एक्स कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1। एग्जाम्पल से समझना, अगर 2 प्लस -2 लेते तो ये कितना होता, 2 और ये -2 0, बट अगर 2.1 प्लस माइनस का 2.1 लेते तो ये तो कितना आता, और 2 प्लस ये कितना आता -3 विच इज इक्वल टू -1, तो ठीक है ये भी है ना, ये -3 कैसे आया, क्लियर होगा आई होप। और ये भी सेम ऐसा ही है कि अगर ये इंटीजर होता, ये अगर इंटीजर होता तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे होते,
ये अगर एक काम करो यहाँ पे टू ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस वन करो, ये इंटीजर होता तो ये माइनस एक्स करके ही बाहर आता, माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो जाता, ये आ गया। और यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ एक्स तो ब्रैकेट ऑफ एक्स होता और इसको क्या लिखते हैं माइनस को, माइनस वन माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स मीन्स टू ऑफ ब्रैकेट एक्स प्लस वन, ये आ गया। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए तीनों प्रॉपर्टी आई है, आई होप क्लियर होगी, सिंपल है बिल्कुल, बट इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आई है। मीन्स आपको फिर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ब्रैकेट ऑफ 2.12 होता है बट ब्रैकेट ऑफ माइनस 2.1 माइनस 3 होता है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, उससे लीस्ट इंटीजर लिया है, ग्रेटेस्ट लीस्ट इंटीजर, तो अगर इससे छोटा इंटीजर 2 था और इसमें भी छोटा इंटीजर माइनस 3 था। अब आती है हमारी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से एक अलग लेवल की चीजें समझ में आती है कि एक अलग जो इनइक्वालिटी आ जाती है ना, डोमेन रेंज इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, वो यहां से बनते हैं। जैसे ब्रैकेट ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन है जहां एन इंटीजर, मतलब एग्जांपल के लिए समझना, ब्रैकेट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रहा है। अगर ब्रैकेट ऑफ एक्स मीन्स ये लाइन है 0, 1, 1,000, 2, 3, अब जो हमारा ब्रैकेट ऑफ एक्स है वो या तो 2 हो या इससे बड़ा हो, ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, तो एक्स क्या होना चाहिए, एक्स को अगर मैं 2 रख दूं तो ये 2 होगा, और एक्स को 2 से बड़ा कुछ भी रख दूं तो ये 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। मीन इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन आ गया, ये क्लियर है यानी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने, ये क्लियर है यानी, हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू n कैसे बोला, ये क्लियर है, आई होप समझ में आया हो, नहीं आया है तो अगले पॉइंट से आने का ट्राई करवाता हूं। अगर ब्रैकेट ऑफ x केवल ग्रेटर देन 2 दे देता तो अब की बार इसकी तरह हम बोल देते x ग्रेटर देन 2, बट बच्चों x अगर 2 से 3 के बीच में कुछ भी है तब तो ये 2 आएगा ब्रैकेट ऑफ एक्स, और हमें तो 2 से बड़ा चाहिए, मतलब अगर आपको समझाना चाहूं तो ये क्या होगा, ये 3 या 3 से बड़ा होगा ना तब ब्रैकेट ऑफ एक्स 2 से बड़ा आएगा, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ एक्स क्या होता है इंटीजर, और इंटीजर 2 से बड़ा इंटीजर एक तरीके से क्या होता है केवल और केवल 3, 2 से जस्ट बड़ा इंटीजर। मीन x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, देखो 2 प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर हुआ ये, अलग लेवल पे प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आई होप समझ में आई होगी कैसे करा है, क्वेश्चंस देखेंगे हम एक एक पे, बट अभी के लिए प्रॉपर्टी समझ में आनी जरूरी है। आगे बढ़ता हूं, अगर ब्रैकेट ऑफ x लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब 0, 1, 2, 3, अब बोल रहा है 2 से या तो 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको ये लिख दूं एक्स लेस देन इक्वल टू 2 तो क्या गलत है, सही है, बट मुझे तो बड़े से बड़ा इंटरवल लेना है, तो एक बात बताओ अगर एक्स लेस देन 3 कर दू तभी भी तो ये 2 होगा, अगर x लेस देन 3 है तो ब्रैकेट ऑफ x तो 2 से छोटा होगा। मीन अगर इस केस की बात करते हैं तो x लेस देन आता है n प्लस 1, समझ में आया कैसे बोला, क्योंकि यहां पे यहां तक कोई भी वैल्यू हो यहां तक ब्रैकेट ऑफ x हमेशा 2 ही होगा और उससे छोटा होगा। मीन हमें एक भड़के बात करनी है, और सिमिलरली जो लास्ट प्रॉपर्टी है लेस देन अगर n लेनी है मुझे, जैसे x ब्रैकेट ऑफ x लेस देन 2 लेना है, ब्रैकेट ऑफ x लेस देन 2 मतलब ये क्या आएगा, ब्रैकेट ऑफ x कितना आना चाहिए, कम से कम 1 होगा, यही बात कर रहा है, और ये 1 होने का मतलब है x भी क्या हो लेस देन 2 हो जाए, क्योंकि 2 से छोटे पे ब्रैकेट ऑफ x क्या होगा 1, मतलब इस केस में क्या आ जाएगा ये n ही आ जाएगा। देखो रटना नहीं है बच्चों, हमने एक एक प्रॉपर्टी को तो समझ लिया है, अब फिर से अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बताना चाहूं
तो ये चार जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है कि ब्रैकेट ऑफ एक्स का मतलब होता है इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स के इक्वल या उससे छोटा वाला इंटीजर, पहली चीज ये पढ़ी। दूसरा हमने पढ़ा ग्राफ के बारे में, ग्राफ के बारे में पढ़ा हमने कि वाई को हम इंटीजर लेते हैं, वाई को हम इंटीजर लेते हैं एंड उसके करस्पोंडिंग एक्स फाइंड आउट करते हैं। अब तक जितने हमने ग्राफ बनाए थे एक्स से वाई पे जाते हैं, बट यहां पे वाई से एक्स पे आते हैं, इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वन, इसके बाद में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, मतलब एक्स के बारे में पढ़ा, या तो ये एक्स के इक्वल है या या तो ये x से बड़ा है या फिर x माइनस वन से, एक सेकंड में प्रॉपर ही लिख रहा हूं, थोड़ा थोड़ा टाइप को नहीं जगह चाहिए। तो या तो ब्रैकेट ऑफ x x माइनस वन से बड़ा है और x से छोटा, x के इक्वल तो हो सकता है इंटीजर पे, एक प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट। एक माइनस x के करस्पॉन्डिंग पढ़ी, या तो ये माइनस x है या फिर माइनस वन माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ एक्स है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर और व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी है। इससे तीन प्रॉपर्टी बनी थी, तीनों प्रॉपर्टी अगर एक आता है तो बाकी जो सेम है हटा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट थ्री मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर व्हाट, सबसे पहला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, अगर किसी नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है इंटीजर है, टू से बड़ा हो तो एक्स भी क्या होगा, यही होगा। बट अगर ग्रेटर देन एन दे रखा है, ग्रेटर देन एन दे रखा है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, एन प्लस वन के इक्वल या उससे बड़ा, क्योंकि जैसे ही एन प्लस वन के इक्वल भी होगा, सॉरी सर हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ही है ना n से बड़ा होने का मतलब अगला इंटीजर कितना आ रहा है, या तो n प्लस वन हो जाए इसके इक्वल, इसका मतलब ही ये है और इसका आंसर ये था, तो इसका ये होना ही है। सिमिलरली देयर आर टू मोर प्रॉपर्टीज लेस देन इक्वल टू n, तो इसका मतलब क्या था, x लेस देन n प्लस वन, क्योंकि ये भी यहां पे एक्सप्लेन था। एंड द लास्ट वन x लेस देन n ब्रैकेट ऑफ x, तो ये x लेस देन n, ये हमारे चार और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी है, ये हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज हुई। इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं डोमेन के इसके ऊपर। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया या फिर इसके जो भी डाउट्स है वो मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है आप लोगों को डाउट्स रहे, आपको एक क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाने का, वो ट्राई करें, अगर ये एक एक करके चीजें समझ में आएगी तो फिर हम अगले लेक्चर में इसके एग्जाम्पल करने के कैपेबल हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।